वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है दीपावली का दिन, तो सभी को सबसे पहले तो शुभ दीपावली। और कल छोटी दीपावली थी, तो कल कोई व्लॉग किया ही नहीं, तो छोटी दीपावली निकल चुकी है। तो दोनों की एक साथ बधाइयाँ। सभी का जो ये त्यौहार है मंगलमय हो, सभी के घर में खुशियाँ आएँ। और आज की तैयारी हम आपको बता देते हैं कि हम इनको धो लाए थे पहले ही, और एक बार फिर से सुबह सुबह यहाँ पर वॉश कर दिया है, 275 को भी कर दिया है, इसको भी कर दिया है। अब कुछ ही साधन रह गए हैं, जैसे कि मेरी बुलेट रखी हुई थी घर पे, मैं उसको ले आया हूँ जो कि खड़ी हुई है सामने। ये सुबह प्रमोद भाई ने धो ली है, और जैसा कि बताया कि JCB 3DX 4x4 और ये वाली, दोनों की दोनों देखो पानी भी जा रहा है बह के, तो यहीं पे धो दिए। हम कल धोने तो ले गए थे इनको, लेकिन कीचड़ ज़्यादा हो गई तो पहिए लपड़ गए, लेकिन मशीन धुल गई प्रॉपर। ओके, और उसके अलावा बात करें तो ट्रॉलियों को भी हमने वॉश कर दिया है। ये चाबी लटकी रहती है ना, तो छुन 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 बजती है। तो अब इनमें कुछ जो कलर लग गए हैं वो तो निकल नहीं रहे हैं, फिर भी इन पे हमने पानी डाल दिया है। देखो ये देखो पानी फैला हुआ है, ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी देखो, धोना तो पड़ता है, त्यौहार है। और इस ट्रॉली में रखे हुए पटाखे भाई साहब, देखो ट्रॉली भर के पटाखे जो कि अपन चलाने वाले हैं आज। तो इसको भी अच्छे से वॉश कर दिया है, अभी सिर्फ अपनी बुलेट रह गई है, ये हो गया है, ये सारे ट्रैक्टर हो गए हैं, और स्कॉर्पियो रह गई है, स्कॉर्पियो N। तो गाइस गाड़ी का नंबर देखना है आपको, ये देखो एक्सपोज कर दे रहा हूँ, 4 अक्के हैं अपनी गाड़ी के नंबर में। ओके, और ये भी धुल चुका है, और ये फूलमाला ले आओ ले आओ, फूलमाला बनाई जा रही है, तैयारी हो गई है जो कि अपन लगाने वाले हैं यहाँ पे सारे ट्रैक्टरों पे। ओके, और ये भी धो लिए क्या दोनों? धूल तो लग रही इन पे, कल धो लिए थे क्या? नहीं, आप ही धो के रखें। अच्छा, धूल बाहर खड़े कर दिए थे, तो एक बार वो पानी मार देना पूजा के पहले। तो ये सुबह सुबह ही निपटा दिए थे इनको धो धा के, और यहाँ पे धूल इतनी उड़ती है, पास में रोड है तो फिर से गंदे हो जाते हैं। और कल इसको कल ही धोया था वैसे तो मैंने, लेकिन ब्लैक कलर है ना, देखो आप धूल अलग ही दिख जाएगी इसके ऊपर, वाइट होता तो इतनी ही नहीं दिखती। तो इसको धोना है, और इसके ऊपर हम पानी नहीं मार सकते, इसको हम धो नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि बैंक की संपत्ति है, ये फॉर्मेलिटी है, तो हम माला ऐसे ही चढ़ा देंगे, अगर धोएंगे तो बैंक कहेगी भाई धो क्यों दी। ओके, तो इसको जैसी है वैसी ही रखी रहने दे रहे हैं। ये भी धुल गया है, सारी की सारी चीज़ें धुल गई हैं, बस हमारा ये रह गया है। और ये सामने अपना काम चल रहा है भाई साहब, दिवाली तक का टारगेट था, हमें दिवाली तक इसको तैयार करना है कलर वलर सब करके। और देखो अभी इसका प्लास्टर भी नहीं हो पाया है, तो आप ये समझ लो अभी अपन जनवरी तक इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ऐसी आशा की जा रही है, उम्मीद है कि हो जाएगा जनवरी तक। तो गाइस यहाँ पे देखो मशीन की मदद ली जा रही है माला लगाने के लिए वहाँ पे। ये देखो अब लोडर में बैठ के लोग माला चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पे ये चीज़ जो है, इतनी बड़ी मशीन सिर्फ ये फालतू कामों के लिए यूज़ की जाती है, पुताई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, सीढ़ी नहीं लगाएंगे अपन, लाइट लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी उतारने चढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ईंटें रखी हुई थी, मैंने बोला वहाँ शिफ्ट कर दो, तो थोड़ी सी दूरी बढ़ी तो ईंटों JCB में भर भर के ले गए। इधर पीछे डोरी छोटी हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए JCB में चढ़ चढ़ के काम, इस तरह से हमारे यहाँ काम किए जाते हैं, मतलब फुल। और ये जो ट्रैक्टर है ना महिंद्रा 275, इसकी भी एक अलग ही कहानी है, देखो इसको साइड में जाने दो फिर बताता हूँ। हाँ, तो इस ट्रैक्टर को भाई सब लोग बाइकों से इधर उधर घूमते हैं, हमारे पास जितने भी बंदे हैं ना वो पता है इस ट्रैक्टर को बाइक की तरह यूज़ करते हैं, जहाँ भी जाना है बस चल दो, पता नहीं भाई पेट्रोल से चलता है डीजल से चलता है, ऐसे चलाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ व्यवस्था है, अगर वो माला लगाई जा रही है यहाँ पे JCB से। आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, हम बहुत सारे भ्रांति के पटाखे लेके आए हैं, और मैं तो नहीं गया लेने, प्रमोद और सोनू गए थे, वो पिछले साल ही करीब 12-15 हज़ार के पटाखे लेके आए थे, उसमें से भी हम सारे चला नहीं पाए, आधे बच गए थे, तो पिछले साल के
वो भी धूप में सुखा लिए हैं और 10-15 हज़ार की इस साल भी ले आए। तो अपन पटाखे खुद भी चलाएंगे और सबको मतलब वितरित भी कर देंगे, भाई जो जो नहीं ले पाए हैं उन सबको देंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं पटाखे कि हम कौन कौन से पटाखे लेके आए हैं और मतलब कितने पावरफुल हैं, कितने कितने के सब बताएंगे आप। तो गाइस ये आ रहे हैं अपने पटाखे, तो ये तो एक ही बोरी है, ऐसी बहुत सारी हैं। प्रोमो एक एक करके निकाल के बताते जाओ क्योंकि तुम ही लेके आए हो, क्या क्या आइटम हैं ये और कैसे कैसे फूटने वाले हैं, रात को फोड़ेंगे वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये रॉकेट है। अच्छा रॉकेट है ये, इतना लंबा पैकेट है, ये फूटता भी ऊपर जाके इससे फस्ट होता है, ये तो पता नहीं फोड़ने के बाद ही पता चलेगा। ये दो पैकेट होगा भैया रॉकेट के, देखो क्या नाम है, लूनिक एक्सप्रेस। और ये है ना 12 शॉट है एक्स मेन करके, 12 शॉट। हाँ ये भी वही है, 12 शॉट के दो डब्बे हो गए। ये है सीता गीता, सीता गीता। ये ना ये पहले अनार की तरह चलेंगे, हाँ, और फिर बाद में फूटेंगे। अच्छा और रात को फोड़े थे ये, हाँ ये वही वाले। आपने मीम देखा होगा इस वाले बम पे, और भैया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो हिंदू देवी देवताओं के फोटो वोटो लगाते थे ना तो वो गलत था। अभी आप अगर ऐसे कोई पटाखे वगैरह देखो तुरंत कंप्लेंट करना। ये गंगा जमुना, इसमें क्या फूटेगा, ये भी वही वैसा ही है। अच्छा सेम वैसा ही है, सीता गीता जमुना एक जैसे, ठीक है। और आ जाओ ये भी 12 शॉट है, ये भी हवा में जाके फूटेगा। हाँ 12 शॉट हवा में जाके फूटने वाला आइटम, ये भी 12 शॉट है, दो डब्बे जो हो गए। उसके बाद में ये है मनीष, ये है भाई असली माल, ये है धमाकेदार बम, रस्सी बम है ये, फाड़ देने वाला। 1, 2, 3, 4, 5 डब्बे होगा रस्सी बम के, दो डब्बे और आ गए। ये भी ये कौन सा, क्लासिक बम। हाँ ये बड़ी साइज के हैं थोड़े। अच्छा बड़े बम है ये, लेकिन फूटते यही ज्यादा अच्छे हैं, भले ये छोटे हैं लेकिन फूटेंगे। चलो वो अपन चेक कर लेंगे। उसके बाद में ये अनार है, ये अनार एक ही पैकेट है ये, पहले से रखे थे ना अपने पास वो डब्बे। अच्छा और रखे हुए हैं। अच्छा ये तो हम, ये वो हैं जो अपन खरीद के लाए लाए। अच्छा और ये है, ये बड़ा सा क्या है, इतना बड़ा बम है क्या? नहीं ये 120 शॉट है। अच्छा हवा में जाने वाला, ऊपर जाके ना, हाँ मतलब रंग बिरंगे कलर निकलेंगे इसमें। अच्छा 120 शॉट बम जाके, ठीक है। अब जे हमारी भी यही, ये है फिर क्या, ये ताजमहल गोल्ड, ये इसमें ना 2000 है। अच्छा ये वो लड़ है क्या? हाँ ये 1-5 हज़ार वाली है। अच्छा ये 5 हज़ार, 2-2 हज़ार की तीन है, 2-2 हज़ार की तीन है, 5 हज़ार की है। और इन पे MRP देखो 4-4 हज़ार डाली हुई है। हाँ डब्बे में देखना, ये क्या पिछले साल वाले अपने, पिछले साल वाले, ये हमारे प्रिंटर के डब्बे में रखे हुए हैं पिछले साल वाले। मुझे तो पता नहीं क्या क्या है, लड़ी है ये भी शायद ऊपर जाके ही फूटते होंगे। हाँ हाँ वही है शॉर्ट है ऊपर जाने वाले। ये चक्री है, छोटी छोटी चक्री है, ये तो बहुत सारा भरमार है यार इसमें तो, इसमें बहुत पटाखे, बच्चों वाले भी आइटम दिख रहे हैं इसमें तो बहुत ये सारे। वो ही ऊपर वाले देखो सार, पटाखे पटाखे हो गए लाइन से। ये बच्चों वाले वो हैं, हाँ वो बंदूक में डिचके। हाँ ये भी वही ऊपर जाके फूटेंगे, ये सब रोल हैं, ये बच्चों वाले ही। जगह कम पड़ती जा रही है रखते रखते बमों को। ये लड़ है छोटी वाली, ये भी वही है। क्या अनार है ये, क्या है ये पता नहीं क्या है। और ये पिछले साल का आइटम है, भारी बहुत है, ये शक्तिमान है, पिछले साल के बम है, ये रस्सी बम ही है। हाँ और उठाओ। तो गाइस ये सारे के सारे पटाखे हैं, देख लो लाइन से जमा के रख दिए हैं, और थोड़ी सी धूप लग जाए इसलिए JCP के बकेट पर रख दिए, थोड़ी नीचे जगह गीली हो रही। ये अनार हैं और ये पिछले साल के बच्चों वाले, ये छोटे छोटे ये बम हैं, ठीक है। ये भी बहुत मटके वाले हम, बहुत शानदार फूटते हैं, फुलझड़ियाँ हैं, और ये शॉर्ट्स हैं 12-12 शॉर्ट्स के,
और ये लड़े हैं, ये बहुत इतने सारे हैं, आप समझ जाओ कितने होंगे ये। तो गाइज अब बारी है अपनी स्कॉर्पियो और इसकी धुलने की, आखिरी के दो वाहन रह गए हैं धुलने को, ये और ये। फाइनली ये भी हो गई है धुल के कंप्लीट, बुलेट भी हो गई है। आज अभी तक इन्हें सारे साधन जो है धुल चुके हैं, वो जॉन डियर जिसमें रीपर लगा है वो भी धो दिया है, कल इसने धान काटी थी तो काफ़ी गंदगी इसमें लग गई थी तो इसको भी धो धा के कंप्लीट कर दिया। देखो इतना सा भी कचरा नहीं बचा है इसके अंदर, ठीक है। और सारे के सारे साधन धुल चुके हैं, बस अब पूजा पाठ की तैयारी करनी है, बस इसको नहीं धो पाएंगे हम, तकत धुल रहा है अभी ये। और देखो फूल मालाएं लटका दिखे, ये टूट के गिरे एक। तो गाड़ी वॉश हो चुकी है दोस्तों, अब इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं क्योंकि धूल उड़ेगी और एक पीली पीली से दाग गिरते हैं, चिड़ियाँ रहती हैं वो, है ना, पोटी करती है ना, तो बारीक बारीक दाग होते हैं तो वो गंदी हो जाएगी। अभी अभी क्या कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित जमवा दे रहे हैं, पूजा की तैयारी भी करवा देते हैं, फिर हो नहीं पाएगी तो सारे साधनों को यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं और ये दोनों जेसीबी को यहाँ कर दे रहे हैं। और सामने एक बड़ी लाइट लगवा दी है ताकि शाम में रिफ्लेक्शन इधर हो, और इसको भी धुलवा दे रहे हैं क्योंकि हमारी पहली गाड़ी थी और इस तरह से दीपावली के टाइम पर ये गंदी रहेगी, अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं ऊपर से तो धुलवा ही दे रहा हूँ इसको, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब ये करो, ये जॉन डियर को इस तरफ कर लो, महिंद्रा को भी फंसा दो, फिर देखते हैं जगह अपन, और सुमो को इस तरफ आ जाएगी सिंपल।
जो तकाते पहले साइड में करो और पानी मार दो जहाँ पे जो अंडिया के आ रहा है। हाँ उधर ले जाओ बेस्ट। तो भाई साहब फैसला बदल दिया और इसको धो रहे हैं हम, ऐसे रखे रखे मतलब अच्छे से नहीं धो रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से जो धूल जम रही है इसको धो देते हैं। बस बहुत है, बस अब नोवो को आगे करो तब ये पीछे जाएगा। ये जो पिलर है इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, इसलिए गाड़ी से चिपका के लगाने हैं ना। बस एक नंबर, सारे के सारे अपनी जगह पे आ गए। ये तो उतनी जगह पे आया जहाँ खड़ा था, और ये बहुत बड़ा दिख रहा है यार इसके सामने, देखो तो कितना बड़ा है। दोनों के दोनों गेट खुले हुए हैं इसके। जान दो जान दो। भैयू देखो, हमें भैयू को देखो कितना मस्त लग रहा है देखो। अरे भाई हाँ कहाँ चल रहा है, अपन कहाँ है अभी? चलो अभी जेसीबी लगाएंगे अपन, है क्या लगाएंगे? जेसीबी तुमको चलाना आती है? जेसीबी इधर देख के बोलो, आती है? हाँ चल रहा है, तो ये वाली जेसीबी चलेगी अब, ये वाली ना जाओ। जैसी भी आ गई, भैया बोला जैसी भी आ गई। और चिपका के लगाओ और Thank you.
इसके पीछे। अरे बराबर ही रखो ना। नहीं नहीं पीछे बाहर से अच्छा दिख रहा है। आओ ठीक है और जान दो। बस बहुत है बहुत है। तो ऐसा इसलिए करा है क्योंकि सामने जो लाइट जलेगी ना तो इस लाइट इसकी परछाई से ये दब जाती, तो अब थोड़े आगे पीछे हो गई तो प्रॉपर दिखेंगी। अब इसके बगल में लगा देना जॉन डियर को। अरुण ये जॉन डियर को लगा के यहाँ लगा दो। तो ये हमारा मेन गेट है जिसे तोरण बनाते हैं ना। तो मेन गेट पे देखो ये आम के पत्तों की झालर लगा दी है और एक लाइट यहाँ लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे हम बम फोड़ सकें। और एक लाइट लगा दी है कहाँ पे, ये बीच में यहाँ पे एक सीरीज लगी हुई है लाइट की। तो ये बहुत बड़ी लाइट है, ये बहुत सारा उजाला देगी पूरे में, इसलिए इन साधनों को यहाँ रखा है। और यहाँ पे जो भी एक्टिविटी अपन पूजा पाठ करेंगे वो हो जाएगी। ठीक है ये इतने यहाँ आ गए, ये गाड़ियाँ यहाँ आ जाएंगी और ये सारे के सारे लाइन्स हैं। और अब इनको सजाने का काम चल रहा है। तो ये एक अनार का पैकेट है, ये प्रमोद भाई ले गए थे हमारे घर इस गाड़ी में रख के, और वो धो डाली अरुण ने और ये सब गीले हो गए। अब उसको चला के देख रहा है कि चलेंगे कि नहीं। बिना माचिस के नहीं जलेंगे। अरे हाथ में पकड़ के ऐसा ओंधा करके जला दो और फिर वापस रख देना। हाथ जल रहा है। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। रख दो जब बात, टेढ़ा टेढ़ा मुंह कर दिया उसका। तो भाई लाइटिंग जो है चालू कर दी है, देखो आप ये अपनी मेन लाइट कितनी तेज जल रही है सामने। देखो आप अभी शाम नहीं हुई है लेकिन उजाला देखो, और ऊपर दो पिक्सल्स वाली दो एलईडी लगी हुई हैं वो घूम रही हैं, और छोटी छोटी लाइट यहाँ लगा दी हैं और एक लाइट उस तरफ मुँह करके लगी हुई है। तो अभी अंधेरा हुआ नहीं है जबकि देखो आप, और हमने जला के बस टेस्ट कर रहे हैं और कितना सारा उजाला हो रहा है। तो भैया यहाँ पे हो गया पूजा का कार्यक्रम और पूजा पाठ पूरी तरह से हो चुका है। अब चलाए जा रहे हैं पटाखे और सारे के सारे साधनों पे फूल मालाएं चढ़ा दी हैं। देखो और यहाँ पे भी कार्यक्रम चल रहा है और सारे ट्रैक्टरों पे भी फूल माला चढ़ा दी है, गाड़ियों पे भी चढ़ा दी है। और क्या चाहिए तुमको? ये नहीं हो पाएगी बस। ऊपर वाले शॉर्ट चलाए जाएंगे। सबसे महंगा। अरे वाह, एक दो
खत्म।